और आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट डिश प्रिपेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बर्ड्स नेस्ट, मतलब चिड़िया का घोंसला। आप तो बहुत अच्छे से खाएंगे, उसके साथ में किड्स क्या है, ये इतना अट्रैक्टिव होता है देखने में कि वो इसको तुरंत खा जाएंगे। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे, फर्स्टली आपको बॉयल्ड पोटैटो चाहिए होंगे। हम लोग यहाँ पे 2 लोग हैं, तो 2 बॉयल्ड पोटैटो इज सफिशियंट फॉर अस। और इसके बाद में इसमें हमें मिक्स करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्यूमिन सीड्स चाहिए होगा, रेड चिली पाउडर, देन आपका ये गरम मसाला, देन चॉप्ड अनियन, देन रोस्टेड स्पाइसेस। इसमें मैंने क्या क्या रोस्ट किया है, आपका जो होल धनिया होता है, होल रेड चिली होता है, क्यूमिन सीड्स होते हैं, उसको मैंने रोस्ट करके इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। देन ये आपको सॉल्ट चाहिए होगा, राइट। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, ये जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं, इनमें ऐड करूंगी। पहले हमने ये क्यूमिन सीड्स ऐड किए, देन फिर हमने आपका ये रेड चिली पाउडर लिया, देन थोड़ा सा गरम मसाला, देन चॉप्ड अनियन, देन रोस्टेड स्पाइसेस। रोस्टेड स्पाइसेस थोड़े से आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा सा आएगा। इसके बाद में आप ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आप कम लेते हैं तो थोड़ा सा कम, अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें क्या किए, ऐड कर लिए बॉइल्ड पोटैटोज में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे, इसको इसका मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे इन सारी चीज़ों का। और मिक्सचर प्रिपेयर करने के बाद में हम इनसे क्या बनाएंगे, छोटे छोटे से नेस्ट। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है नेस्ट बनाने के लिए, और इससे हम क्या करेंगे, नेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। किस तरीके से, आप पोर्शन लेंगे, इसको ऐसे बॉल की तरह किया, थोड़ा सा और ऐड किया, क्योंकि नेस्ट थोड़े से बड़े बनाएंगे तो जो साइज़ आएगा, जो लुक आएगा, वो थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो हमने इसमें थोड़ा सा और पोटैटो ऐड किया। इसके बाद में क्या किया हमने, इसको जैसे आपका नेस्ट होता है बिल्कुल नेस्ट की तरह, इसको हमने ऐसे नेस्ट की तरह हम इसको शेप दे देंगे। पूरा ट्राई करेंगे कि जिस तरीके से आपका नेस्ट होता है एकदम वैसे ही इसका जो है वो लुक आया। तो ये क्या हो गया, आपका जो नेस्ट है वो प्रिपेयर हो गया, और ऐसे ही हम और बाकी जो मिक्सचर हमारा रखा है उसके नेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। नेस्ट आपके प्रिपेयर हो गए हैं, नेस्ट मैंने एकदम जिस तरीके से आपका चिड़िया का घोंसला होता है वैसे मैंने ये घोंसले बना दिए हैं। अब क्या करेंगे हम इस पर, जो हमने ये बैटर प्रिपेयर किया था जिसमें हमने 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर प्लस 4 टीस्पून होल व्हीट, मतलब मैदा जो ऐड किया था उसका, ये हमने बैटर प्रिपेयर कर लिया था। अब क्या करेंगे, जो भी आपके ये नेस्ट हैं इन पे हम बैटर की जो है वो कोटिंग करेंगे। आप इसकी ब्रश से या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, या इसको इसमें डिप करके आप इसकी कोटिंग कर देंगे। ये देखिए आपकी नेस्ट की जो कोटिंग है वो हो गई है। अब क्या करेंगे, कोटिंग करने के बाद में ये जो हमने सेवई ली थी, हम इन सेवई को इस पर ऐसे करके डालेंगे हर साइड में, इन सेवई को नेस्ट के चारों तरफ लगाएंगे।
इसको हमें अच्छे से लगाना होगा, जितना मैक्सिमम सिवे इसमें लग पाए उतना ज़्यादा क्या होगा आपके नेस्ट का लुक आएगा। साइड में कॉर्नर्स पे प्रेस करके इसको स्टिक करिए और फिर ऐसे ये देखिए क्या है आपका जो नेस्ट है वो प्रिपेयर है। अब इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। क्या किया है, जो कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, जो हम ऑयल लेंगे हम किसी फ्लैट कढ़ाई में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इसको इसमें पूरा डिप करना होगा, तो ये पूरा डिप नहीं हो पाएगा। अगर हमने फ्लैट कढ़ाई ली तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल यूज़ करना होगा, लाइक 2 लीटर्स अराउंड। ऐसे मेरा क्या है हाफ लीटर में ये हो गया है। तो अब मैंने क्या किया, इस जो नेस्ट मैंने प्रिपेयर किया है इसको इसमें डाल दिया। तो हम फिर से उल्टा करेंगे और ऐसे पका लेंगे। हो गया आपका फ्राई हो गया, अब इसको हम निकाल लें। ये देखिए आपका नेस्ट प्रिपेयर है। इसको हमने प्लेट में रख दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी नेस्ट जो है उनको प्रिपेयर कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे नेस्ट जो है वो बनके रेडी हो गए हैं, बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसे। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए एग्स प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या है, जो हमने ये पनीर लिया था और ये शुगर पाउडर लिया था। जो पनीर है इसको हमने ऐसे करके मैश किया और इसके हमने ये बॉल का शेप दिया पहले और फिर हल्का सा प्रेस कर दिया, तो ये क्या हो गया आपके एग के जैसा शेप हो गया। ठीक है, इसको फिर हमने रोल कर लिया शुगर पाउडर में, जिससे कि एग आपका एकदम वाइट सा हो जाए। रोल करने के बाद में क्या किया हमने, ये नेस्ट में रखा इसी तरीके से और लिया इसको मैश किया, बॉल की तरह शेप दिया और फिर हल्का सा प्रेस किया एकदम एग के जैसा लुक देने के लिए और शुगर पाउडर में रोल कर लिया और फिर ये हो गया। और ये हमारे बर्ड्स नेस्ट जो है वो प्रिपेयर हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर देंगे। ये हमने पुदीने की लीव्स ली हैं, इसको ऐसे करके ये हमने किया और ये जो हमारे हैं बर्ड्स नेस्ट prepare to eat. Now you can eat all those nests with these eggs. Yummy.